कैसे हो आप सब? आप कैसे हो आप सब? कहो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है? आप हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम ये मेरी जेठानी हैं दूसरे नंबर की। तो हम बैलकनी में खड़े थे, नीचे सब्जी वाले की आवाज़ आ रही थी, तो हमने सोचा सब्जी ले ले थोड़ी। बस आलू लेने थे तो आलू ले लिए। फिर यहाँ पे अंशु के ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो ये ट्यूशन नहीं जा रहा था, सो के उठा था इसलिए जा नहीं रहा था, लेट हो गया था थोड़ा। तो कह रहा है मुझे छोड़ के आओ नहीं तो मैं मारेंगी, तो इसलिए फिर मैं इसे छोड़ने जा रही हूँ। ये आगे ही नहीं बढ़ रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा। तो बहुत मुश्किल से तो ये ट्यूशन के लिए निकला है, हाय तोबा करके तो निकल ही नहीं रहा था। ये सो के बहुत लेट वेट होना, स्कूल से आता है 2 बजे, फिर ये आके फिर थक जाता है थोड़ा सा, तो मैं इसे सुला देती हूँ, आके दूध पी के खाना वाना खा के सो गया था बस। तो फिर ये ट्यूशन के टाइम से पहले ही उठा देती हूँ मैं इसे, आधे घंटे पहले 5:30 बजे ट्यूशन जाता है, तो इसलिए मैं इसे छोड़ने आ गई। ट्यूशन में जिद कर रहा था तो ये लेट आया, तो बस फिर देखो इसका ड्रामा शुरू हो गया, फिर से ये रोने की एक्टिंग कर रहा है। बस एक्टिंग भी नहीं, रियल में रो ही रहा था। मतलब ट्यूशन में जब ये आता है ना तो ऐसे ड्रामा करता है, क्योंकि अपने टीचर से बहुत डरता है, क्योंकि पहले काम नहीं करेगा। अब मैं इसे बहुत देर से कह रही थी बेटा काम कर लो, ये याद नहीं करना है, तो उसने याद नहीं करा। उसको ना ABCD पूरी अल्फाबेट याद है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड वो भूल जाता है, तो इस चक्कर में से मैंने बोला कि मैम डांटेंगी, तो बस यही जिद कर रहा है कि मैम मुझे मारेंगी डांटेंगी। तो मैम ने ज़बरदस्ती इसको समझा के लेके आई हूँ। फ्रेंड्स बने रहिए आप इस ब्लॉग पे, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पहले मैं अंशु को ट्यूशन छोड़ दूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बस अभी तो ऐसे ही होगा। तो फ्रेंड्स अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, और 10:30 बजे मैं अभी किचन में क्या कर रही हूँ, 10:30 बजे मैं आई हूँ किचन के अंदर। उस टाइम मैं अंशु को ट्यूशन छोड़ कर आई थी, ट्यूशन से आने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह की, काम किया थोड़ा बस, फिर पूजा का टाइम हो गया। आज मेरा फास्ट भी था एकादशी का, तो बस पूजा वगैरह की। अभी मैं बस किचन में आई हूँ, बस दूध लूँगी अपने लिए, अपने लड्डू के लिए और अपने बेटे हंस के लिए। तो ये छोटा वाला जो ग्लास है, इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल बाल कर बाल गोपाल जी का दूध डालूँगी, और बड़े वाले दोनों गिलासों में अपना। तो मैं जब रात में मैं और अंश और इसके पापा कोई भी दूध पीता है, तो मैं एक लड्डू के लिए भी दूध रखती हूँ। जैसे हम अपने लिए दूध का गिलास तैयार करते हैं, ऐसे ही मैं अपने लड्डू के लिए भी तैयार करती हूँ। लड्डू मतलब मेरे लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया जो हैं। तो वैसे जब मैंने शाम को पूजा की थी तो मैंने पंचामृत बनाया था एकादशी को, हर एकादशी को मैं पंचामृत बनाती हूँ, और अपने कृष्ण कन्हैया को भोग लगाती हूँ, खाटू श्याम महाराज जी को भोग लगाती हूँ एकादशी को। तो ये छोटा वाला गिलास मैं इसलिए दिखा रही थी कि छोटे वाले जो गिलास ही है ना, वो कान्हा जी के लिए मैं लेके जा रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है। छोटे से बर्तन होते हैं ना, छोटे छोटे मैंने कान्हा जी के लिए बर्तन ला रखे हैं, बस उसी में ही। तो मेरा बेटा रात में ना दूध से गुड़ से दूध पीता है, गुड़ के साथ ही दूध लेता है, और मुझे भी गुड़ के साथ दूध अच्छा लगता है। तो हम गुड़ के साथ लेते हैं ना, तो लड्डू के लिए भी गुड़ के साथ ही हम रात को दूध रखते हैं, कि जैसा हम अपने लिए लेते हैं वैसा ही हम लड्डू के लिए भी रखते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बाल स्वरूप घर में हम लड्डू का रखते हैं ना, तो उनको भी हमें ऐसे ही करना पड़ता है जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो जैसे मैंने अपने अंश के लिए ग्लास में दूध दे के उसे लड्डू गुड़ से मैं दूध देती हूँ ना, तो उसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल को भी ऐसे ही गुड़ से मैं दूध देती हूँ। तो ये मैं दूध जो रात को डेली रखती हूँ, चाहे मैं पीऊँ चाहे ना पीऊँ, कभी मेरा मन होता है कभी नहीं भी होता है, लेकिन अंश को दूध देती हूँ और लड्डू को भी मैं दूध ज़रूर देती हूँ। तो लड्डू का दूध जो है वो रात में रखा ही रहता है, मैं सुबह ही उसको उठाती हूँ फिर दूध को, और उस दूध से मैं चाय बनाती हूँ। सुबह चाय में यूज़ कर लेती हूँ, प्रसाद हो जाता है। तो ये आ गए हम अपने लड्डू के पास, तो हम पहले अपने लड्डू को दूध दे देंगे और उनको थोड़ा सा कहेंगे कि लड्डू उठ के दूध पी लो और इसे ग्रहण करो, और थोड़ा सा उनको झूला झूला देंगे।
ताकि वो उठ जाएं, सो गए होंगे तो उठ भी जाएंगे, इसीलिए मैं उनको थोड़ा सा हिला देती हूँ, छेड़ देती हूँ थोड़ा सा कि उठो और दूध पी लो जल्दी से। तो लेके चलते हैं वो अपने लिए दूध अंदर, और एक गिलास हंस को देती हूँ दूध, वो भी दूध पी के सो जाएगा, उसे भी सुलाना है सुबह भी, वो जगह जल्दी नहीं सोगा ना तो फिर सुबह जल्दी नहीं उठता है, आज वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो अभी दूध पिला के उसको सुला दूँगी मैं, आप भी आ जाइए। तो देखो फ्रेंड्स, ये अभी तक सोया नहीं है दूध पीने के बाद, अभी कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो मैं इसे सुला देती हूँ अब। कैसे हैं? कैसे हो आप सब? आप कैसे हो आप सब? कहो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है? अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहो कौन आगे बोलो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है? हमारी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको आप चाहते हैं आप चाहते हैं वीडियो बनाएं, वीडियो बनाएं तो आप हमें सपोर्ट करो, हमारी वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट में बताओ, ऐसे करके लाइक करो ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, अंश भी सो गया है, बड़े आराम से सो रहा है, मैं भी सोने जा रही हूँ, कल मिलते हैं, बाय।